हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवेल्यूशन आईएएस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, बिकॉज उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो इसमें मिसिंग है और जो कि रिक्वायर्ड है। फाइन, सो यस, सो पहले पार्ट का रिकैप करते हैं थोड़ा सा। तो आज देखो, एज हमने पहले पार्ट में देखा कि जो इंडस वैली का जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है, उसे हमने देखा, ऑब्जर्व किया। तो प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल इन योर माइंड कि इंडस वैली के नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट जो साइट्स हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। फाइन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिंध, अगर सिंध की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के दो डिविजन्स हैं, एक इंडिया वाला पंजाब, एक पाकिस्तान वाला। तो उनमें कौन से लोकेशन हैं, चान्हुदाड़ो कहाँ है, फिर मोहनजोदाड़ो क्या ये सिंध में है। फाइन, बिकॉज एक जो क्वेश्चन आता है मैपिंग वाला कि ऑर्डर में अरेंज करना है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड ऑल, सो उसकी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था आपसे। सो यस, हैव ए लुक। देखो, अगर एक डिवीज़न करें हम इस तरीके से, अब डायरेक्शन वाइज अगर आप देखो, बिकॉज एक एक्सिस लिया गया है यहाँ से गाइस, ऑलमोस्ट क्लोज टू यहाँ से। फाइन, सो उसके ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखो तो शॉर्तुगाही जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है, और सुदका गेंडोर जो मॉडर्न डे पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस में है, महाराष्ट्र की दाइमाबाद, दाइमाबाद एंड समवेयर क्लोज टू मेरठ, उत्तर प्रदेश। फाइन, सो आई कुड नॉट लोकेट इट इन मैप। नदर मोस्ट इंडिया में अगर देखो तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर, आई रिकॉल दैट, आई नाउ एम एबल टू रिकॉल द लोकेशन, आलमगीरपुर। फाइन, समवेयर क्लोज टू हेयर। फाइन, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको ये इस लोकेशन में नहीं मिलेंगे कोई साइट्स, आपको ईरान में नहीं मिलेंगे साइट्स, पाकिस्तान के जो इस वाले पार्ट में आपको नहीं मिलेंगे, हालांकि अफगानिस्तान में जो है डिबेटेड है थोड़ा सा, बट जो यहाँ की जो फाइंडिंग्स हुई हैं लिमिटेड, उनके जो जो एविडेंसेस मिलेगा इस, तो उन एविडेंस में वहाँ का एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ऑल, सील जो मिले वहाँ से, उनका रिजेम्बलेंस है यहाँ से। सो दैट्स वाई वी कैन से कि शॉर्तुगाही इन अफगानिस्तान इज ऑल्सो इंडस वैली साइट। अदरवाइज अगर इंडिया के लेवल पर देखो तो मांडा, देन कमिंग आलमगीरपुर नियर मेरठ, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, देन सुदका गेंडोर, इसे ही मोर ऑर लेस हम मानते हैं। देन आप ये देखो कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस, चान्हुदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, फाइन, हड़प्पा। देखो रावी नदी किनारे जो हड़प्पा है, अब यहाँ पे इसका आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऊपर नीचे का जो अगर क्वेश्चन आ गया कि अरेंज करो इन्हें ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ से साउथ, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कौन से साइट्स पाकिस्तान में है, कौन से इंडिया में है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। और मैंने अपने जो तीनों वीडियोज़ होंगे सीरीज़ में, तीन वीडियोज़ में ये इंडस वैली पे सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। सो या अब जैसे देखो, कुंसी, बालाकोट, अलादीनो, दीज आर द पोर्ट सिटीज़, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, और एक और क्वेश्चन आ भी रखा है इस पर कि पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली पे, बालाकोट, अमरी, लोथल। फाइन, सो दीज आर द लोकेशंस। तो ये थी गाइस बेसिक, और लास्ट में हमने बात किया था ये भी कि नेचर ऑफ पॉलिटी जो इंडस वैली की थी वो कैसी थी। देखो कोई क्लियर कट डिमार्केशन तो है नहीं, बिकॉज राइट एज ऑफ नाउ दे आर मेर, दीज आर मेर स्पेकुलेशंस। फाइन, कि जो सिटीज़ का स्ट्रक्चर था उससे हम गेस कर सकते हैं कैसी पॉलिटी होगी, मर्चेंट क्लास रूलिंग हो सकती है, तो दीज आर मेर स्पेकुलेशंस, कोई क्लियर कट एविडेंस है नहीं। रिलीजन ऑफकोर्स ये डोमिनेट नहीं करता था वहाँ के इंडस वैली के स्ट्रक्चर को। सो नाउ कमिंग टू दिस लेक्चर, देखो इस लेक्चर में हम बात करेंगे गाइस इंडस वैली में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और जो लोकेशंस हैं उन रिवर्स के किनारे, देन जैसे मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, हड़प्पा है। फाइन, सो ऐसे और भी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी बात करेंगे। देन इंडस वैली का जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था, यहाँ के लोग क्या उपजाते थे, क्या उन आइटम्स को एक्सपोर्ट भी करते थे, अगर करते थे तो कहाँ करते थे, इनका स्टेपल फूड क्या था, मेन क्रॉप पे क्या उगाते थे। सो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो के बाद हम एज ए सॉल्यूशन देखेंगे। देन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मेनली जो इम्पोर्ट के आइटम्स थे उन पर फोकस रहता है। तो इम्पोर्ट के आइटम्स कहाँ कहाँ से, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ट्रेड कहाँ कहाँ से करते थे। जैसे देखो कि दी आर द एरियाज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल,
यहाँ पे फिर आप देखोगे कि बहुत सारे जो नाम है मॉडर्न डे, मेसोपोटामिया, इराक, सुमेर एंड ऑल, यमन, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इन एरिया से ट्रेड किया करते थे। ओके, सो उस टाइम की ट्रेड रूट्स हुआ करती थी। देखो ये ट्रेड रूट इंडस वैली की नहीं है, एक ट्रेड रूट उस टाइम पर ग्लोबल ट्रेड रूट है रादर। फाइन, सो नाउ कमिंग टू दिस, एक क्वेश्चन देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया। देखो आपका सबसे बड़ा टीचर आपके क्वेश्चन से है, यही आपको बताएंगे कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन से इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये हड़प्पन साइट्स। गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, चन्हुदाड़ो, कोटदीजी, सोहागवरा एंड देसलपुर। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, ये जो टॉप के ए एंड बी लोकेशंस हैं, चन्हुदाड़ो एंड कोटदीजी। अगर कोटदीजी का अगर कम आइडिया हो तो चन्हुदाड़ो इज़ वन ऑफ द फेमस, क्योंकि इंडस के किनारे है। फाइन, मोहनजोदाड़ो के साथ में। सोहागवरा एंड देसलपुर, देखो ये बेसिकली उस साल करेंट अफेयर में था, 2018-19 में सोहागवरा का जो कॉपर प्लेट था वो करेंट अफेयर में था, बिकॉज इस पर मेंशन था कि जो फेमाइन रिलीफ के काम हुए थे उस टाइम पे उसकी कुछ डिटेलिंग थी गाइस यहाँ पे सोहागवरा की कॉपर प्लेट में। तो ये बेसिकली इंडस वैली से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, रादर इसका कनेक्शन है मौर्यन पीरियड से, राइट। सो ये एलिमिनेट होता है, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो तो आप कोट दीजिए और चन्हुदाड़ो को अगर आप साथ में एलिमिनेट करो कि ये तो इंडस वैली की साइट है ही, अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो तो कोई भी एक ऑप्शन के साथ आप जा सकते थे। आपके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 50-50, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना होगा। कमिंग टू द आंसर, यस इट्स अ सोहागवरा। देखो अब ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं कि कहाँ से क्या मिला इन लोकेशन से, मोहनजोदाड़ो से क्या मिलता है, तो इस पे तो एक सेपरेट वीडियो आएगी गाइस, मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। देन कमिंग टू नाउ, फाइनली अब आते हैं कि इंडस वैली की जो रिवर्स थी लोकेशन वाइज उनको हम देखते हैं। नाउ हैव ए लुक, देखो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यस, सो गाइस हड़प्पा को हमने देखा कि ये स्टार्ट मैप को अगर आप देखोगे तो हड़प्पा आपको समवेयर यहाँ पे। तो हड़प्पा क्या इंडस के किनारे है? नहीं। सो हड़प्पा इज़ नॉट अंडर द बैंक्स ऑफ इंडस, रादर इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रावी। इसका मॉडर्न हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताओ। हड़प्पा रिवर का मॉडर्न हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, सॉरी मतलब रावी रिवर का, इंडस वैली आपकी जो इंडस वैली का जो ये साइट है हड़प्पा, मतलब इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, इसका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? देखो जो पीपल एसोसिएटेड थे इसके साथ में, दयाराम साहनी एंड एम व्हीलर, तो इसके एक्सकेवेशन में थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये फूट स्टेप्स पे चल रहे थे किनके, एलेक्जेंडर कुनिंगम के, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद द ग्रेट जेंटलमैन एलेक्जेंडर कुनिंगम, द फादर ऑफ यू कैन से आर्कियोलॉजी इन इंडिया। सो हड़प्पा इज ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, रावी के किनारे है। देन लोथल, अब देखो आपको ध्यान देना कि जो इंडियन साइड से उन पे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अगर आप लास्ट ईयर की ट्रेंड देखो तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। तो इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावर रिवर, भोगावर रिवर। देखो इस वाले पोर्शन को आप इग्नोर कर सकते हो एक साथ में, बिकॉज यूपीएससी ने अपनी हिस्ट्री में पिछले 20-25 साल में इन पे क्वेश्चन पूछे नहीं है। क्वेश्चन पूछेगी मैप बेस्ड, रिवर्स को थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इस पोर्शन को आप इग्नोर कर सकते हो, यू कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट, नो इशू। तो लोथल इज ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावा। अब देखो लोथल क्यों फेमस है गाइस, इट्स बिकॉज ऑफ द इन फेमस डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के कारण फेमस है, जो बोट्स शिप्स जो थी वहाँ के लैंड किया करती थी लोथल। सो देन कमिंग मोहनजोदाड़ो, द मोस्ट फेमस साइट ऑफ इंडस वैली, इट्स ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे है मोहनजोदाड़ो। अच्छा मोहनजोदाड़ो को मोहनजोदाड़ो क्यों कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यू कैन कमेंट एंड टेल मी वाई मोहनजोदाड़ो इज कॉल्ड सो। नाउ कमिंग जो इन न्यूज़ आइटम था, और यूपीएससी ने 2020 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या 21 में इस पर क्वेश्चन बनाया धोलावीरा के ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स एंशियंट वाटर स्ट्रक्चर्स जो उस टाइम के थे गुजरात में है, एंड इट वॉज इन न्यूज़, तो इस पर क्वेश्चन दोबारा डिफरेंट तरीके से बन सकता है।
सो इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ लूनी रिवर. सो लूनी रिवर के किनारे है धोलावीरा. तो राइट गाइस, हड़प्पा भी कवर्ड, लोथल, मोहनजोदाड़ो, देन कम्स चान्हुदाड़ो एंड कालीबंगन. सो कालीबंगन जो है राजस्थान में, इसका कनेक्शन कुछ बैंगल्स के साथ में गाइस. बैंगल्स जिन्हें चूड़ियाँ बोलते हैं वेमेन के लिए. कालीबंगन इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ एक घग्गर नदी के किनारे हैं. राइट. सो मैंने रिपीट नहीं कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज ऑल दो इट्स वेरी फैक्चुअल. हर चीज़ को रिपीट क्या करना, बिकॉज अब देखो इसको यहाँ मैंने ऐसे अपलोड कर दिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन यूज़ इट फॉर रिविजन. कमिंग टू चन्हुदाड़ो, अगेन इट्स इन पाकिस्तान. देखो चन्हुदाड़ो और मोहनजोदाड़ो दोनों आसपास के लोकेशन हैं, एंड बोथ आर ऑन टू द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. सो इंडस के किनारे कौन कौन गाइस? चन्हुदाड़ो एंड मोहनजोदाड़ो. राइट. सो हड़प्पा किसके किनारे हैं? हड़प्पा इज नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस, रादर इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. सो ये लिस्ट थी गाइस. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर की बात करते हैं गाइस. अब एग्रीकल्चर में देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि राइस वॉज नॉट द मेन क्रॉप. इनका स्टेपल फूड राइस नहीं था. राइस के बारे में आप आगे देखो, जब हम इंडस वैली को पढ़ेंगे तो आप देखोगे राइस की सिग्निफिकेंस आपको वहाँ ज़्यादा दिखेगी फॉर श्योर, ड्यू टू मेनली ड्यू टू द क्लाइमेटिक रीजन्स गाइस, और कुछ नहीं. सो कमिंग टू द मेन क्रॉप्स, तो मेन क्रॉप इनके क्या थे गाइस? इनके मेन क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ली. देखो वीट बार्ली कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं गाइस, लेकिन आप बस इतना ही देखो कि हिंदी में शायद इसे जौ बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे. सो कमिंग टू राइस, अब देखो ऐसा है नहीं कि राइस राइस का कोई ट्रेस मिला नहीं है. रंगपुर इन गुजरात एंड लोथल ऑल्सो इन गुजरात, जो गुजरात के दोनों साइड्स हैं, वहाँ से एविडेंसेस मिले हैं कि राइस की कल्टिवेशन होती थी, बट नॉट ऑन दैट ग्रेट एक्सटेंट. बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ करती थी राइस की कल्टिवेशन. देन मेन क्या था गाइस? वीट एंड बार्ली. सो कॉटन के बारे में एक क्वेश्चन आया गाइस यूपीएससी के, कुछ अगर 90s के पेपर देखोगे तो शायद एक या दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. देखो कॉटन, अब आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में देखो इसे हम जोड़ सकते हैं, तो इंडस वैली के लोग कॉटन को एक्सपोर्ट भी क्या करते थे, एंड दीज गाइज वर द फर्स्ट फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन ऑन दिस प्लेनेट. ग्रीक्स को एक्सपोर्ट करते थे, एंड ग्रीक्स यूज टू कॉल सिंडोन. अगेन यू कैन कनेक्ट दिस विद सिंधु, देन लेटर ऑन हिंदू. ओके, बिकॉज दीज आर ट्विस्टेड वर्ड्स. फाइन, बहुत ग्रीक्स ने कुछ और कहा, अरब्स ने कुछ और कहा. सो उसके बाद से सारे नाम, फिर सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान. सो ये क्रोनोलॉजी है गाइस, जिसे आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड में रखना है. सो सिंडोन किसको कहते थे? जो ग्रीक्स थे ये कहते थे कॉटन को, बिकॉज इंडस वैली के लोग इन्हें भेजते थे. देन सीसम एंड मस्टर्ड, इसका प्रोडक्शन होता था. अब देखो यहाँ पे साइट याद मत करने लगे जाना, ये कौन सी साइट है. बस राइस का आप याद रखना, लोथल एंड रंगपुर से राइस के ट्रेसेस मिले. राइट. सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन गाइस, एग्रीकल्चर के आइटम्स जो एक्सपोर्ट करते थे और जो प्रोड्यूस करते थे. मेन फूड कौन था, मेन क्रॉप कौन था? वीट एंड बार्ली. इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर गाइस. कमिंग टू द अर्बन प्लानिंग, देखो अर्बन प्लानिंग पे चीज़ें बहुत ही फेमस है और बहुत कुछ नया जानने को है नहीं. अब रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे इनकी जो स्ट्रीट्स थी, देखो ये अपने टाइम से बहुत आगे थे गाइस, बिकॉज इनकी अर्बन प्लानिंग के बारे में पूरा पूरे वर्ल्ड ने रिसर्च किया. और आप देखोगे कि आज के टाइम पे यूरोप की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो अर्बनाइजेशन प्लान है, एक्चुअली मोर और लेस दे फॉलो इंडस वैली. राइट. डेली के बहुत सारे जो मॉडर्न टाइम्स में जो डेवलपमेंट्स हुए, इनने इसको फॉलो किया. और ये देखो ये गाइस अपने टाइम से बहुत आगे इसलिए थे कि इनको सिग्निफिकेंस पता था हाइजीन का. राइट. सो ड्रेन्स जो थे ओपन होते थे इस तरीके से कि मान लो कि, और ड्रेन्स बिल्कुल कवर ड्रेन्स हुआ करते थे, कवर ड्रेन्स, और क्या कह सकते हैं, चेक पोस्ट, लैम्प एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थी, बिकॉज जो कि उस टाइम के लिए बहुत नहीं थी, बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जो बिल्कुल बैकवर्ड थी इनके सामने इन चीज़ों में. सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन फील प्राउड. कमिंग टू अर्बन रूलर, ऑफकोर्स ये सारे एमिनिटीज इस तरीके से मेंटेन करते थे कि इट वॉज बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन. राइट. कमिंग टू ड्रेन्स हमने देख लिया. अब सिटाडल की बात करते हैं. यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट के तरीके से समझो.
अब मान लो कोई टाउन है इंडस वैली का, टाउन ए और टाउन बी, ठीक है। चलो एक लाइन डिमार्केट कर देते हैं ऐसे। तो टाउन ए का कंडीशन ये है कि टाउन ए दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो कंसिडर करो कि दिस इज टाउन लोथल एंड दिस इज टाउन काली बंगन इन मॉडर्न राजस्थान, और यह है गुजरात में। तो जो लोथल वाली साइट है, यहाँ पे टाउन के दो डिवीजन है, एक सिटाडेल है। अब सिटाडेल का मतलब होता है अपलिफ्टेड पार्ट, जो पार्ट मतलब नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर हो। अब बेसिकली एक स्पेकुलेशन ये लगाया जाता है कि यहाँ पे जो अपलिफ्टेड पार्ट था, तो एक सोशल हायरार्की इंडिकेट करती है, जो सोसाइटी के जो पावरफुल लोग थे, जो रूलिंग क्लास थी, जो मर्चेंट्स क्लास थी, जो डिसीजन मेकर्स थे, इम्पॉर्टेंट जो इनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वो सारी यहाँ पे हुआ करती थी अपर पार्ट में। और जो वर्क्समैन थे, जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, वो लोअर पार्ट्स में स्टे किया करते थे। अगेन इट्स ए स्पेकुलेशन, लेकिन टू एन एक्सटेंट इट्स ओके, फाइन। अब सिटी बी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई डिवीज़न है नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सिटाडिल, अब सिटाडिल का कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक पार्ट ऊंचा है, दूसरा पार्ट डाउन प्लेन पे है, दिस इज सिटाडिल। लेकिन सिटाडिल क्या ये यूनिवर्सल फीचर था इंडस वैली का? आंसर इज ऑफ कोर्स नो, नहीं। बिकॉज बिकॉज कुछ सिटीज ऐसी थी इंडस वैली की जहाँ पे देर वॉज एब्सेंस ऑफ सिटाडिल्स, ये बिल्कुल सेकुलर थे, बिल्कुल कॉमन इक्वलिटी थी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल। अब बारी आती गई इसकी फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज़ की, कि अर्बन प्लानिंग का भी फीचर है। तो कुछ सिटीज ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि एक सिटी है, अगेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लोथल। देखो लोथल के बारे में कहते हैं कि इट वॉज कंप्लीटली फोर्टिफाइड सिटीज। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या? चारों तरफ से किलेबंदी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं चारों तरफ से, राइट, एंड ये चारों तरफ से फुली पैक्ड है, फाइन। सो नाउ अगेन लेट्स ड्रॉ इट। तो देखो अब फोर्टिफाइड सिटीज में क्या है, यहाँ पे भी डिविजन्स हैं ऑफ कोर्स। ये मान लो कि डब्ल्यू क्यू स्टैंड्स फॉर वर्क्समैन क्वार्टर्स। अब यहाँ पे क्वार्टर्स हैं वर्क्समैन के, यहाँ पे क्या है ग्रेवयार्ड्स हैं, यहाँ पे हाउसेस एंड ऑल डिविजन्स। तो एमिनिटीज के लिए भी चीज़ें थी, फिर कहीं कि बिकॉज कोई भी सोसाइटी कैसे चलेगी, एक बेसिक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, डिसीजन मेकर्स होने चाहिए, इकॉनमी एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें थी और ये सिटी पूरी तरह से फोर्टिफाइड थी। लेकिन क्या सारी सिटीज़ फोर्टिफाइड थी? नो, कुछ सिटीज़ जैसे अलादीनो एंड कुंसी, एक कुछ कुछ साइट, देखो ये डिटेल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल कुछ भी नहीं था गाइस। क्या राइस बिल्कुल अवेलेबल मिसिंग था? नो। अब कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं कि जो हॉर्सेस थे, घोड़े थे, क्या बिल्कुल एब्सेंट थे? अब बेसिकली देखो लोकेशन है सुतका गेंडोर, यहाँ से हॉर्सेस के ट्रेस मिले हैं गाइस, एक हॉर्स की डेड बॉडी मिली है यहाँ से, बट दैट वन सिंगल डेड बॉडी ऑफ हॉर्स डज नॉट इंडिकेट कि इंडस वैली के लोगों को हॉर्सेस का आइडिया था एज पर यूपीएससी आंसर की 2017, फाइन। सो इट वॉज ऑल अबाउट द अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली। कमिंग टू आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट, कहाँ कहाँ से क्या इम्पोर्ट करते थे? आप में से कुछ लोगों ने KGF मूवी देखी होगी या नाम सुना होगा, कुलार गोल्ड फील्ड्स, इट्स इन मॉडर्न डे कर्नाटका, कर्नाटका। तो कर्नाटका से लोग गोल्ड मंगाते थे, गोल्ड फील्ड है तो गोल्ड ही मंगाएंगे, बट नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका, ऑल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान एज वेल। तो इन तीन लोकेशन से इंडस वैली के लोग गोल्ड मंगाया करते थे। कमिंग टू सिल्वर, चांदी कहाँ से मंगाते थे गाइस? ईरान से, अफगानिस्तान से, एंड फ्रॉम मॉडर्न डे तमिलनाडु एंड केरला के बीच का कोई एरिया था। देखो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कहाँ से मंगाते थे, साउथ इंडिया के थोड़े इस वाले लोअर वाले पार्ट से कहीं से मंगाते थे, बिलो कर्नाटका, KGF के नीचे। देन कमिंग टू कॉपर, कॉपर कहाँ से गाइस? देखो इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बिकॉज या फिर NCERT में मार्क कर लो,
बिकॉज अल्टीमेटली जो भी पढ़ो गाइस उसको रिवाइज करने की कोशिश करो मल्टीपल टाइम्स, एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कॉपर को खेतड़ी माइन से ये लोग मंगाते थे। तो जो खेतड़ी माइन आप आज पढ़ते हो ज्योग्राफी में, ये बहुत बहुत टाइम से फेमस है, ठीक है, इन टू एग्जिस्टेंस है। तो खेतड़ी माइन से मॉडर्न डे राजस्थान। कॉपर ऑल्सो दे यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है। कमिंग टू टीन, देखो इस टीन का इम्पोर्ट लोग करते थे मॉडर्न डे बिहार एंड अफगानिस्तान से, ज़्यादा अफगानिस्तान से गाइस, 60% अफगानिस्तान से, बाकी बिहार से, कुछ और साइड से मंगाते थे, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट है नहीं कि जो आपको पढ़ना पड़े। कमिंग टू लापिस लेजुली और कुछ और स्टोन्स थे जो लोग इम्पोर्ट करते थे। अब लापिस लाजुली क्या है गाइस, देखो बेसिकली ये क्या है ना कि इंडस वैली में आपने देखा कि सिटाडेल है, इंपॉर्टेंट पीपल हैं, तो इंपॉर्टेंट पीपल जो हैं रिच एंड वेल्दी क्लास, अब ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करेंगे गाइस, उनको थोड़ा अच्छी सी लाइफ स्टाइल चाहिए, लुक्स चाहिए, बाकी उससे थोड़ा डिफरेंट दिखना है। सो दैट्स वाई दे यूज टू ऑर्नामेंट्स के बड़े शौकीन थे इंडस वैली के लोग, इवन इफ जो मिडिल क्लास भी थी वो भी। तो लैपिस लाजली वाज ए बेसिकली स्टोन जिसको यूज़ करते थे ऑर्नामेंटेशन पर्पज़ के लिए, ये इम्पोर्ट करते थे गाइस अफगानिस्तान से। सो ये आइटम्स देखो ऑलमोस्ट इस तरीके से हैं, कुछ कुछ ऑब्वियसली मिसिंग होंगे, जो आप अपने कोई भी सिंगल सोर्स को फॉलो जो करते होंगे, ऑलवेज यूज़ सिंगल सोर्स फॉर एनी वन टॉपिक, स्पेशली हिस्ट्री एंड ऑल, इसका उतना वेटेज होता नहीं है गाइस, आप इसको क्विकली अपने निपटाना होता है। सो गाइस ये थी आज की लेक्चर, अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे या ऑफकोर्स फिनिश करेंगे इंडस वैली वाली की सीरीज़ को, और उसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स की मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, फिर लोथल से क्या मिलता है एविडेंसेस, उनकी थोड़ी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके बारे में बात करेंगे, और उसी लेक्चर में बात करेंगे इंडस वैली के डिक्लाइन की जो थ्योरीज हैं, क्या सबसे एक्यूरेट थ्योरी कौन सी है एंड ऑल। सो कीप ऑन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।